Hello, friends, press the subscribe button and hit the bell icon for more such easy videos. Hello, friends, I am back with a new video. उट मस्क्यूलर टिश्यू तो सबसे पहली चीज हमें टिश्यूज होते क्या ये वो टिश्यूज है जो हमारे मसल बनाते हैं मसल सेल्स होते कैसे तो हम कह सकते thin, elongated और कॉन्ट्रेक्टाइल मसल फाइबर्स के बने इनका मतलब क्या है तो पतले होंगे लंबे होंगे और कॉन्ट्रेक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं तो so, सबसे बड़ी बात मस्क्यूलर टिश्यू को आप कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू भी कह सकते हो जो कॉन्ट्रेक्ट और रिलैक्स होता है और मस्कुलर टिश्यू में सबसे खास बात क्या है इट हैज द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं एक्टिन और मायोसिन एक्टिन और मायोसिन दो ऐसे प्रोटीन हैं जिनकी वजह से हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं जी याद रखिएगा एक्टिन एंड मायोसिन मसल फाइबर्स जो है उनमें बहुत सारे नर्व्स होते हैं जिस वजह से कुछ मसल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं और कुछ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते तो बेसिकली ये वेस्कुलर होते हैं और इनमें ब्लड वेसल्स होते हैं अगर आप मसल्स की बात करो तो हमारे बॉडी का 40 परसेंट वेट जो होता है वो मसल्स की वजह से होता है और 60 परसेंट जो वेट होता है वो बोन्स की वजह से होता है तो आप मैक्सिमम वेट जो है बोन्स फिर मसल्स और फिर ब्लड जो सेल्स होते हैं मस्कुलर टिश्यूज के कैसे होंगे तो उनके ऊपर एक कवरिंग होती है उस कवरिंग को हम कहते हैं सार्को लेमा सार्को मतलब कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू लेमा मीन्स लेटर लेर सार्को लेमा और जो अंदर फ्लूड होता है उसे हम कहते हैं सार्को प्लाजम अब तीन टाइप के मस्क्यूलर टिश्यूज होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात तो तीन टाइप के कौन कौन से हैं पहला है स्ट्राइटेड मस्क्यूलर टिश्यू दूसरा नॉन स्ट्राइटेड मस्क्युलर टिश्यू तीसरा जो है वो है कार्डियक मस्क्युलर टिश्यू तो लॉजिकली समझना क्या है स्ट्राइटेड मस्क्युलर टिश्यू मतलब इसमें स्ट्राइशन होंगे जैसे जेबरा पे नहीं होते ब्लैक व्हाइट ब्लैक होंगे और जब कार्डिया की आप बात करोगे तो 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 एक को देखते हैं सबसे पहला हम देखेंगे स्ट्राइटेड मस्क्यूलर टिश्यू इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए सबसे पहली बात ये वॉलेंट्री मसल्स होते हैं वॉलेंट्री मसल्स मतलब वो मसल्स जो हम अपने इच्छा के अनुसार

एलोंगेटेड होंगे तो हम इन्हें लंबे लंबे ड्रॉ करते हैं और इनमें स्ट्राइशंस दिखाने बहुत जरूरी है स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू का प्रॉपर्टी यही है कि इनमें स्ट्राइशंस होंगे उनके पास ऑल्टरनेट डार्क बैंड लाइट बैंड डार्क बैंड लाइट बैंड होगा और ये मल्टी न्यूक्टेड होते हैं बहुत सारे न्यूक्लियस इनके पास होंगे न्यूक्लियस पेरीफेरी में होते हैं तो ये जो हम दिखा रहे हैं स्ट्राइशंस है अगर आप ध्यान से देखें तो दो लाइन के बीच में दो ग्रीन लाइन के बीच में व्हाइट छोटा सा दिखेगा तो ग्रीन क्या हो गया डार्क बैंड और जो बीच में व्हाइट हो गया वो क्या हो गया लाइट बैंड तो स्लाइटेड मस्कुलर टिश्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या समझनी है कि दे हैव हैनेट डार्क बैंड लाइट बैंड डार्क बैंड लाइट बैंड डार्क बैंड लाइट बैंड ये सब न्यूक्लियस है जो कभी पैरी पे या कहीं पे भी प्लेस्ड होंगे तो चलिए देखते हैं इनका लेबलिंग सबसे पहली बात उनके पास आउटर मोस्ट लेयर है कवरिंग जिसको हम कहते हैं सार्को -लेमा. लेमा जो है थिक मेम्ब्रेनस शीत है और इसके अंदर जो फ्लूड होगा उसे हम कहते हैं सार्को प्लाजम साइटोप्लाज्म ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज सार्को प्लाजम फिर उनमें मतलब होते क्या है ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड इनके पास न्यूक्लियस है जो दी पेरीफेरी होगा अब नेक्स्ट हमें क्या समझना है एक जो है बैंड हम छोटा सा बाहर निकालेंगे और उसे देखने की कोशिश करते हैं तो न्यूक्लियस को याद रखिए मल्टी मल्टीन्यूक्लिएटेड है और ये पेरीफेली प्लेस्ड है तो हम क्या कर रहे हैं एक बैंड जो है लाइट डार्क और लाइट उसे हम बाहर निकाल रहे हैं और उसे निकालने के बाद उसे स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो जो डार्क बैंड होगा उसे हम ग्रीन से दिखाएंगे तो ये ग्रीन वाला एरिया जो है वो है पूरा डार्क बैंड और इसके अगल बगल में जो व्हाइट वाले एरियाज दिख रहे हैं वो सब लाइट बैंड है सो so बेसिकली हमें क्या समझना है स्ट्राइश डार्क लाइट डार्क लाइट अब यहां पे ये पूरा डार्क बैंड का पैच है ये ग्रीन जो दिखा रहे हैं मतलब उस तरफ डार्क बैंड कंटिन्यू हो रहे हैं और बीच में व्हाइट वाला जो है लाइट बैंड है तो इस एरिया को हम कहते हैं लाइट बैंड और बीच वाले डार्क वाले को हम कहेंगे डार्क बैंड फिर से क्या आ गया लाइट बैंड मतलब कुछ आए या ना आए इतना तो याद रखो स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू में ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होते हैं लाइट बैंड को हम कहते हैं आई बैंड आई बैंड का मतलब होता है आइसोट्रॉपिक बैंड अभी ना आइसोट्रॉपिक क्यों कहा जाता है क्यों क्योंकि ये लाइट को अपने आर पार आने जाने देते हैं डार्क बैंड को ए बैंड कहा जाता है ए बैंड मतलब एन एनआईसोट्रॉपिक बैंड अब एन आइसोट्रॉपिक मतलब क्या लाइट उनके आर पार आता जाता नहीं है सो आइसोट्रॉपिक मीन्स लाइट कैन पास थ्रू इट सो इट इज आइसोट्रॉपिक बैंड और द लाइट बैंड एंड डार्क बैंड में लाइट कैनोट पास थ्रू इट इसके लिए इन्हें हम क्या कहते हैं डार्क बैंड लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें सबसे बड़ी चीज जो ये है कि हर लाइट बैंड के अंदर एक डार्क लाइन होता है और उस डार्क लाइन को हम जेड लाइन कहते हैं जेड लाइन को क्रॉसेस मेम्ब्रेन भी कहा जाता है तो दो जेड लाइन के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा मतलब दो लाइट बैंड बीच में एक डार्क बैंड होगा और जेड लाइन इनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा उसे हम कहते हैं सार्कोमियर और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सार्कोमियर जो होता है वह है यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तो मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होंगे तो जो कॉन्ट्रैक्शन का यूनिट होता है वह है सार्कोमियर सार्कोमियर है क्या डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को सार्कोमेयर कहा जाता है अब डार्क बैंड के अंदर जो लाइट लाइन दिख रही है आपको हल्का सा लाइट लाइन होता है उस लाइट लाइन को हम कहते हैं एच लाइन या उसे और एक नाम दिया गया है हेंसेंस लाइन तो ये सारे डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो स्ट्राइटेड मस्क्यूलर टिश्यू के और डार्क लाइन भी कहा जाता है अब देखो दूसरी तरफ चलते हैं जिसे हम कहते हैं नॉन स्ट्राइटेड मस्क्यूलर टिश्यू नॉन स्ट्राइटेड मस्क्यूलर टिश्यू मतलब क्या ये हमारे कंट्रोल में नहीं है नहीं है मतलब ये आर फाउंड इन ऑल विसरल विसरल मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे का रिलैक्सेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है यूरिनरी ब्लैडर का रिलैक्सेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है स्टमक का रिलैक्सेशन हमारे, हमारे कंट्रोल में नहीं है ये मसल्स जो है बोन्स अटैच नहीं है इसके लिए नॉन साइटेड वालों को हम नॉन स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं तो मिलते क्या है स्टमक इंटेस्टाइन यूरिनरी ब्लैडर एक्सेट्रा नॉन साइड मस्कुलर टिश्यूज के सेल्स कैसे होंगे तो सबसे बड़ी बात ये स्पिंडल शेप के होंगे स्पिंडल मतलब क्या होता है अपर और लोअर एंड पॉइंटेड बीच में थोड़ा सा मोटा सा स्पिंडल स्पिंडल शेप की तरह जैसे फिश वगैरह शेप के होते हैं वैसे और इनके पास एक ही न्यूक्लियस होगा मतलब ये यूनि न्यूक्लिएटेड है जो स्ट्राइटेड था वो मल्टी न्यूक्लिएटेड था ये यूनि न्यूक्लिएटेड है जो आउटर मोस्ट लेयर होगा कवरिंग उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं सार्कोलेमा और जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर में है और जो फ्लूड होगा उसे हम क्या कहेंगे सार्को सो सो साइटोप्लाज्म ऑफ द दॉन साइड टिश्यू इज कॉल्ड ए सार्कोप्लाज्म नाउ क्वेश्चन कम्स हियर जो नॉन साइड मस्कुलर टिश्यूज हैं उनके सेल्स कैसे होते हैं तो हम कहते हैं एलोंगेटेड हैं लंबे लंबे सिलेंडर हैं थोड़े से पतले और स्पिंडल शेप के हैं हाउ दे आर अरेन्ज सो देउंडेड बायोलेमा इज दउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ दिश्यू सो देउंडेड बाय सार्कोलेमा एंड हैज सार्को प्लाजम और इनमें क्या होता है ए एन एस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के नर्व होंगे मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो अपने आप अपने समय से मूवमेंट करेंगे ये स्लो होते हैं

जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है और ये कहा मिलता है इन वॉल्स ऑफ इज दायोकार्डियम अब जो फाइबर्स होते हैं इनके दे आर इनोटेड और दे आर इंटरमीडिएट मतलब क्या ये स्ट्राइटेड मसल्स की तरह स्ट्राइशंस तो दिखाएंगे लेकिन नॉन स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यूज की तरह ये इनवॉलेंट्री होते हैं मतलब इन्हें हम कह सकते हैं कि ये इनवॉलेंट्री एंड स्ट्राइशंस दोनों है और इनमें छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं सबसे खास बात जो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू की है दे हैव अ पुअर सार्कोलेमा सार्कोलेमा की कवरिंग जो होती है बहुत पतली सी होती है या नहीं भी होती है और जो होगी भी वो एक जगह पे थिक हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क अब यहाँ पे जो इंटरकैलेटेड डिस्क है इसको आप जिग्सैक लाइन भी कह सकते हो और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू है तो डेफिनेटली इट विल शो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट के अंदर जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है इट इज अबाउट न्यूरोजेनिक है नेचर nerve में, में और एक स्पेशल बात जो ह्यूमन हार्ट है इट इज नॉट प्रोन टू फटीक मतलब हार्ट हमारा कभी थकता नहीं है जब तक हम जिंदा है कंटिन्यूसली बीट करते रहता है आइए देखते हैं कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं कार्डियक मस्कुलर टिश्यू ये सारे सेल्स हैं अब कार्डियक मस्कुलर टिश्यू दोनों प्रॉपर्टी दिखाता है स्ट्राइशन एज वेल एज नॉन स्ट्राइशंस के तो ये जो हम दिखा रहे हैं ये है इंटरकैलेटेड डिस्क इंटरकैलेटेड डिस्क में क्या होगा सार्कोलेमा जो है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू में होते नहीं या तो बहुत कम होते हैं तो सारे एक जगह पे कंप्रेस होकर के इंटरकैलेटेड डिस्क बनाते हैं ये स्ट्राइशंस है मतलब ये प्रॉपर्टी दिखा रहा है स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू की लेकिन हर एक के अंदर आपको एक सिंगल न्यूक्लियस ही मिलेगा तो इसके लिए आप एक भी कह सकते हैं कि ये यूनि न्यूक्लिएटेड टाइप में भी है और ये जो हम बना रहे हैं बाकी चीजें इसमें ब्लड साइनोसॉइड है तो इस तरीके से आप एक कार्डियक मस्कुलर टिश्यू को एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं अब सबसे बड़ी बात ये क्या दिखा रहा है लाइट और डार्क बैंड जो साइटेड मस्कुलर टिश्यू की प्रॉपर्टी है इट हैज मायो फाइब्रिल्स और इंटरकैलेटेड डिस्क जो कंप्रेस्ड सार्कोलेमा से बना है न्यूक्लियस है और इसमें ब्लड साइनोसॉइड होते हैं आइए दिस इज ऑल अबाउट मस्क्यूलर टिश्यू लेकिन कौन सा कार्डियक मस्क्यूलर टिश्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप स्ट्राइटेड नॉन स्ट्राइटेड और कार्डियक मस्क्यूलर टिश्यू के बारे में हम बात करते हैं कंपेरेटिव स्टडी कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा समझने में स्ट्राइटेड मस्क्यूलर टिश्यू नॉन स्ट्राइटेड और कार्डियक मस्क्यूलर टिश्यू स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू कैसा है वॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नॉन स्ट्राइटेड इनवॉलेंट्री कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है कार्डियक इज ऑल्सो इनवॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है स्टाइटेड मस्कुलर टिश्यू कैसा है मल्टी मल्टीन्यूक्लिएटेड है नॉन यूनि मस्कुलर टिश्यू भी यूनि भीटेडेड मस्कुलर टिश्यूज कैसे क्या दिखाएगा स्ट्राइशंस नॉन स्ट्राइट में स्ट्राइशंस एबसेंट टिश्यू विल टिश्यूल्सो शो स्ट्राइशंस जब आप कॉन्ट्रेक्शन की बात करोगे तो स्ट्राइटेड में क्या होता है फास्ट कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होगा नॉन स्ट्राइटेड में स्लो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है और कार्डियक में भी स्लो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं इसका मतलब क्या हो गया जो मसल्स बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे दे आर प्रोन टू फटिगनेस सो स्ट्राइटेड वाले जल्दी थक जाएंगे नॉन स्ट्राइटेड में नो no फटिगनेस और कार्डियक में भी नो फटिगनेस तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा स्ट्राइटेड नॉन स्ट्राइटेड और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू स्ट्राइटेड स्केलेटल नॉन स्ट्राइटेड नॉन स्केलेटल और कार्डियक भी नॉन स्केलेटल अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक करें और कमेंट करें थैंक यू वेरी मच